हे एवरीवन, दिस इज विकी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो हम फाइनली आ चुके हैं और नए वीडियो के साथ। सो आज हम बात करेंगे ओवी अपडेट के बारे में, ठीक है, जो भी नए चेंजेस आने वाले हैं उसके रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भैया जो हमारी रीच है वो बढ़ जाए। होप सो तुम करोगे। एंड फाइनली जितनी मतलब अपडेट कवर हो सकती थी मेरे से मैंने वो कर दी है, एंड थोड़ी बहुत तो भाई मिस हो सकती है, ठीक है। नंबर वन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक न्यू गन आने वाली है जिसका नाम है G36। एंड ये इस गन में दो मोड रहने वाले हैं। अब मोड मतलब यहाँ पर तुम्हें एक असोल्ट मोड और एक बैलेंस मोड देखने को मिलेगा। असोल्ट का जो तुम डैमेज हो देख सकते हो 26 आ रहा है, एंड अगर हेड पे मारते हो तो 143 आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका मोड चेंज करके मैं अगर बैलेंस मोड पे लाता हूँ तो इसका जो डैमेज है वो फ़र्क हो जाएगा। अब वो भी करके तुम्हें दिखा देते हैं। एंड जैसे हम इस पर बैलेंस पे स्विफ्ट करेंगे इसको, जैसे कर दिया मैंने अभी, देखो अब यहाँ पर तुम डैमेज देखोगे तो डैमेज बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इसका रेट ऑफ फायर कम हो जाएगा, ओके। एंड जो हमारे असोल्ट मोड है उसमें रेट ऑफ फायर थोड़ा ज़्यादा रहता है और बैलेंस में रेट ऑफ फायर कम हो रहा है और डैमेज ज़्यादा हो रहा है, तो ये इस गन की खासियत है। नंबर टू की यहाँ पर मैं बात करूँ तो भैया एक न्यू जो हमारा कैरेक्टर कह सकते हो, ठीक है, ये हमारा जो KO क्रोनो 2 है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें शील्ड मिलेगी इस टाइप में कुछ शील्ड जो तुम्हें कम डैमेज से बचाएगी, मतलब ठीक ठाक है, मुझे यार ठीक ठाक लगा। एंड ओवरऑल तुम देख सकते हो यहाँ पर मतलब डैमेज 80% कम हो जाता है अगर ये शील्ड ऑन रहती है। बट इसका जो सेव देख रहे हो भाई कुछ खास नहीं। और देखो ये शील्ड ऑन करते अगर तुम फायर करते हो तो ये शील्ड हट जाएगी, मतलब ये क्रोनो की तरह बिल्कुल नहीं है। तो भाई एक अच्छा कैरेक्टर तो नहीं कहूँगा, मुझे खास नहीं लगा, सीधी बात, नो बकवास। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड तुम्हें और भी मतलब कुछ चीज़ पता हो जो मुझे ना पता हो तो कमेंट में बता सकते हो, सीधी बात, नो बकवास। तुम्हें मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मुझे भी पता ये बात, तो ठीक है। नंबर थ्री की बात करूँ यहाँ पर मैं तो भैया अभी एक कैरेक्टर है जो भाई बहुत ज़्यादा ओवर होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पेंटेड रिफ्यूज इसका जो नाम है, इसमें ऐसा मेन है कि भैया देखो अगर तुम ये शील्ड बनाते हो और इसमें ग्रेनेड आता है तो मैं 0% भी डैमेज का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 0 भी डैमेज कम नहीं होगा अगर ग्रेनेड आते, देखो ग्रेनेड फट भी रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये स्टेफी नाम का कुछ कैरेक्टर है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर दिया गया, एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, लिटरली बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखो नेट से कितने बंदे जाते हैं, कितने क्लचेस निकलते हैं, हम सभी को पता है। तो भैया चेंज यहाँ पर बहुत बड़ा आने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो यहाँ पर नंबर फोर की आगे बात करें तो नंबर फोर पे एक न्यू पेट, ओके, न्यू पेट मतलब जिसका नाम है जसील। एंड यहाँ पर जो उसकी स्किल है कि ये तुम्हें मेडिकिट प्रोवाइड करेगा एंड जिसके चांस 50% हो जाएंगे, 70 सेकेंड कूलडाउन टाइम रहेगा। तो एक और घटिया कैरेक्टर कह सकता हूँ भैया। देखो चांस एक ऐसी चीज़ है ना जो भाई लक पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो तुम्हें मेडिकिट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 50% चांस है मेडिकिट मिलने के। तो ये मुझे थोड़ा मतलब अजीब लगा कि भाई ये क्या सीन है यार, 50% मतलब कुछ भी यार, गरीन आने वालों ने पता नहीं क्या सोच के इसे बनाया, मुझे नहीं पता। बट तुम इसके लिए क्या सोचते हो कमेंट में बताओ, एक बार पता तो चले यार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नंबर फाइव की बात करें तो भाई देखो एक न्यू मोड नहीं है ये, कुछ एक नया ही है कि परफेक्ट भाई स्कोर हिस्ट्री, ठीक है, तुम्हारी स्कोर हिस्ट्री चेक की जाएगी, जहाँ पर तुम्हें बैन भी मिल सकता है, ठीक है, मतलब टेम्पररी बैन होगा, परमानेंट नहीं होने वाला है। जहाँ पर अगर तुम्हें कोई रिपोर्ट करता है, तुम अगर किसी को इमोट मारते हो टॉक्सिक बिहेवियर, तो उसके ऊपर तुम्हारे स्टार माइनस होंगे, प्लस होंगे, 80 और 90 का अगर नीचे जाता है या फिर 80 के नीचे जाता है तुम्हें शायद क्लैश सीएस रैंक से बैन मिल सकता है टेम्पररी, एक दिन या दो दिन के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है, मुझे परफेक्ट नहीं पता है, बट जैसे आएगा आपको परफेक्ट बताऊंगा। बट हाँ होने वाला कुछ ऐसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, एंड यही बात है, ठीक है। अभी भी तुम वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड इतना शेयर करना कि भैया भाई प्यार आपका बहुत तगड़ा मिले, ठीक है, हो सके तो यार, ठीक है। एंड और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, सिंपली है मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, ठीक है। नंबर सिक्स की यहाँ पर बात करें तो एक न्यू मोड आना जिसमें तुम भाई 5 बंदे एक साथ खेल सकते हो जो बॉम्ब स्क्वाड है, ठीक है। एंड ये गेम में आ जाएगा जैसे ही हमारा ओवी अपडेट आएगा, जहाँ पर तुम 5 बंदे एक साथ खेल सकते हो, मतलब मज़े ही मज़े भाई, 5 बंदे एक साथ, ठीक है। एंड बॉम्ब स्क्वाड होगा, सिंपल सी ये बात है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। एंड आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे आने वाले मतलब कैरेक्टर तो मैंने आपको बता दिया है, अब कपड़े हैं वो सब तो मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज यार वो बहुत टाइम के बाद आएंगे, एंड गरीना फ्री फायर में तो ऑलरेडी हमारे इवेंट्स भी नहीं आए, ठीक है। नंबर सेवन की यहाँ पर बात करूँ तो जॉम्बी इवेंट एक बार आ चुका, तुम्हें से बहुत बंदों ने खेला होगा, जहाँ पर डॉक्टर नाम का एक कोई बंडल था वो भी मिला था बंदों को, तो फिर से वही काम होने वाला है, बट इसे अपडेट करके दिया जा रहा है गरीना फ्री फायर की तरफ से, तो तुम खेल सकते हो जॉम्बी मोड, सीधी बात है, एंड टाइम पास वाले मोड ही है सारे, ठीक है, बट इन्जॉय कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एंड जॉम्बी मोड पहले भी आ चुका है और फिर से आ रहा है, तो वेल ऑफकोर्स अच्छा हो सकता है मे बी। अब इसमें अगर वो पिछली बार तो कुछ प्राइजेस थे, इस बार प्राइजेस होंगे तो और भी बढ़िया, ठीक है। नंबर एट की यहाँ पर बात करें तो जो हमारी A124 है भाई वो ज़बरदस्त हो चुकी है, आप ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
सो उसकी जो स्किल है, देखो जैसे तुम ये कोई बॉम्ब टाइप जो भी तुम डालते हो ना, तो सामने वाले की जो भी एक्टिव स्किल है वो 60 सेकंड के लिए डिसेबल हो जाएगी। जैसे देखो ये अब मैं वो यूज़ नहीं कर सकता क्रोनो 60 सेकंड के लिए, तो भाई एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। A124 को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम भी हो रहा है यहाँ पर। बट अब देखो भाई ये चार बंदों पे वर्क करती है तो भैया अलग लेवल का मोड हो जाएगा। अगर एक पे होता है थोड़ा अलग रहेगा, कितनों पे यूज़ होगा वो देखने वाली बात है, ठीक है। नंबर 9 की यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारे जो निकिता कैरेक्टर है उसमें चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तुम यहाँ पर देख सकते हो, सीधी बात है कि भाई लास्ट में जो SMG है उसमें मतलब 20% डैमेज बढ़ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर तुम देखो नॉर्मल डैमेज है 25, बट लास्ट जो 5 MO बची है और इसमें फायर करते हैं तो 30 का डैमेज मिल रहा है। मतलब जैसे ही थोड़ा मतलब लास्ट में कम MO रहती है ना तो 20% डैमेज बढ़ जाता है। मतलब आपको तुम देख सकते हो यहाँ पर, तो ये स्किल भी काफ़ी सही रह सकती है, बट आई डोंट थिंक इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तुम क्या सोचो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 10 की यहाँ पर बात की तो मेरे पास कुछ खास नहीं था, इसलिए मुझे ये डालना पड़ा कि एक न्यू स्किन आने वाली है जो पेगासस की है। एंड भाई मेरे हिसाब से बहुत कम बंदे यूज़ करते हैं, बट फिर भी यार मेरे को कंप्लीट करनी थी टॉप 10, इसलिए मैंने ये डाला, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कभी और, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड शेयर जरूर करना।